शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। सबसे पहले बड़ी खबर ही आपको देंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धमकी देने वाला गिरफ्तार कर लिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धमकी दी थी और अब गिरफ्तार हो गया। मुंबई के चूना भट्टी से एटीएस ने गिरफ्तारी की है। एटीएस ने गिरफ्तारी की है उस शख्स की जिसने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धमकी दी थी। इस शख्स ने, इस धमकीबाज ने व्हाट्सएप पर 112 यूपी पुलिस के व्हाट्सएप पर धमकी भरा मैसेज भेजा था और इस धमकीबाज आरोपी कामरान खान को पकड़ लिया गया। नाम इसका कामरान खान बताया जा रहा है। खबर बढ़ी और गिरफ्तारी भी हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इसने जान से मारने की धमकी दी थी। ये धमकीबाज आरोपी कामरान खान पकड़ा गया है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से चिढ़ के चलते उसने धमकी दी थी। तो चिढ़ता था सीएम योगी से और इस चिढ़ के चलते उसने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धमकी दी। ट्रांजिट रिमांड पर लेकर लखनऊ इसको रवाना हुई है यूपीएसटीएफ। खबर बड़ी है, यूपीएसटीएफ इसको अब लखनऊ लेकर आ रहे हैं, यहां पर इसे पूछताछ की जाएगी। तो इस धमकीबाज ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धमकी दी थी कि वो उन्हें जान से मार देगा। अब शुरुआती पूछताछ में उसने ये बताया है, पहला इसका नाम है कामरान खान। इसने बताया कि ये चिढ़ता था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के काम से, वो चिढ़ता था और इसी चिढ़ की वजह से इसने धमकी दी। इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। मुकदमा दर्ज करने के बाद एसटीएफ ने मामले की जांच संभाली। मुंबई का ये रहने वाला था क्योंकि जिस नंबर से मैसेज किया गया था उसको ट्रेस किया गया, मुंबई का नंबर मिला। उसके बाद मुंबई पुलिस से संपर्क किया गया और एटीएस ने इसको मुंबई के चूना भट्टी इलाके से गिरफ्तार कर लिया है। बड़ी कामयाबी मिली है और ज्यादा वक्त भी नहीं लगा, कुछ दिन पहले इसने धमकी दी थी और इसकी गिरफ्तारी आज हो गई। तो खबर बड़ी है, चिढ़ के चलते ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से चिढ़ता था और उसी चिढ़ के चलते इसने धमकी दी और धमकी जब दी तो इसको पकड़ने के लिए, क्योंकि गंभीरता से लिया गया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धमकी देने के इस मसले को बड़े गंभीरता से लिया गया। पहले ही सुरक्षा मुख्यमंत्री की चाक चौबंद रहती है, पहले से ज़्यादा अलर्ट जो उनकी सुरक्षा में तैनात रहते हैं सुरक्षाकर्मी हो गए थे और इस बीच में गिरफ्तार भी कर लिया गया है। उत्तर प्रदेश में 6000 के पार कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या पहुंच गई है। उत्तर प्रदेश का ये हेल्थ अपडेट भी है, समझ लीजिए आप, और बड़ी खबर भी है। आंकड़ा 6000 के पार चला गया है। यूपी में एक दिन में 288 नए कोरोना के पॉजिटिव केस आए हैं और इसमें 2456 एक्टिव केसेस हैं, तो 3406 मरीज ठीक हो गए हैं। 6 नए पॉजिटिव केस आए आजमगढ़ से, खबर आपको दे रहे हैं। एक्टिव केसेस संख्या 6000 के पार जा चुकी है। तो दूसरी तरफ आजमगढ़ से केसेस आए, 6 नए केसेस आजमगढ़ से आए हैं। तो पूरे देश की बात करें तो पूरे देश में भी आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है और स्थिति अब रोजाना 5000 से ज्यादा केसेस पूरे देश में बढ़ रहे हैं। और वहीं उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में यह आंकड़ा 6000 पार कर चुका है और 288 नए केस आए सिर्फ एक दिन में और उसके बाद से अब संख्या 6000 के पार हुई। खबर एक और बहुत बड़ी है, कोविड अस्पतालों में मोबाइल पर बैन। लखनऊ से यह खबर आपको दे रहे हैं, कोविड अस्पतालों में मोबाइल पर बैन। अब वार्ड में मोबाइल नहीं रख सकेंगे मरीज, तो मरीज जो कि आइसोलेशन वार्ड में है वो मोबाइल नहीं रख सकेंगे। L2, L3 अस्पतालों में मोबाइल रखने पर पाबंदी लगाई गई है। शैलेश अरोड़ा हमारे संवाददाता इस खबर पर आपको और ज्यादा जानकारियां देंगे, बताएंगे कि क्या वजह रही कि मोबाइल फोन पर बैन लगाया गया है L2, L3 अस्पतालों में। शैलेश, दर्शकों को बताएं। राजीव, देखिए जो निर्देश दिए गए हैं, ये निर्देश जारी किए गए हैं महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग की तरफ से,
और उन्होंने सभी जो मेडिकल कॉलेज है लखनऊ में, SGPGI, रामानंद लोहिया इंस्टीट्यूट, प्रदेश भर के मेडिकल कॉलेज, इन सबको ये निर्देश दिया है कि जो L2 और L3 स्तर के कोविड हॉस्पिटल हैं, L2 और L3 का देखिए पहले बता दें मतलब ये वो अस्पताल है जहाँ पर जो संक्रमण होता है जब किसी में ज्यादा बढ़ जाता है, L3 में तो बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है, उनको भर्ती किया जाता है, तो वहां पर मरीज के पास अभी तक ये व्यवस्था थी कि वो अपने पास मोबाइल रख सकता था, जब उसे डिस्चार्ज किया जाता था तो उसके साथ में उसके मोबाइल को भी विसंक्रमित किया जाता था। लेकिन अब साफ निर्देश दे दिए गए हैं कि मोबाइल फोन पास में नहीं रखा जाएगा क्योंकि इससे भी संक्रमण फैलने का खतरा बना रहता है। देखिए बार बार ये एडवाइजरी में भी कहा जा रहा है कि क्योंकि मोबाइल ऐसी चीज है कि जब आदमी उठाता है, मान लीजिए फोन आया तो वो कान से लगाएगा, बात करेगा, बार बार अगर आइसोलेशन वार्ड में कई मरीज हैं उन सब के फोन को भी संक्रमित करना वो ज्यादा दिक्कत भरा काम है। लेकिन दूसरी ओर मरीजों को घर वालों से बात करने की समस्या ना हो इसके लिए ये भी व्यवस्था है कि जो वार्ड होगा वहां पर एक व्यक्ति के पास दो फोन इसी उद्देश्य से रखे जाएंगे। अगर किसी मरीज को अपने घर वालों से बात करनी है तो उसकी बात कराई जाएगी, वो बात करेगा और उसके बाद उस फोन को तत्काल विसंक्रमित कर दिया जाएगा, यानी वो पूरा फोन सैनिटाइज किया जाएगा वहीं पर। तो एक ही उद्देश्य है जो अधिकारियों की तरफ से कहा जा रहा है कि कोरोना का जो संक्रमण है वो और ना फैले, जो वायरस है फोन के माध्यम से ना फैले, इसलिए ये व्यवस्था की जा रही है। जी शैलेश, आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो अगर किसी मरीज को बात करनी है मोबाइल पर तो वो वहाँ पर स्टाफ से ले सकता है और उसके बाद बात कर सकता है, उसको फिर उसको संक्रमण मुक्त किया जाएगा। पहले से विवादों में घिरी वेब सीरीज पाताललोक को लेकर अब एक नया विवाद गाजियाबाद से सामने आया। गाजियाबाद के लूनी से विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने वेब सीरीज की निर्माता अनुष्का शर्मा के खिलाफ लूनी थाने में एक तहरीर दी है। विधायक नंदकिशोर गुर्जर का आरोप है कि वेब सीरीज में उनका और राज्यसभा सांसद अनिल अग्रवाल की तस्वीर का इस्तेमाल किया गया है। नंदकिशोर गुर्जर के मुताबिक असली तस्वीर में उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ थे, जिन्होंने 30 मार्च 2018 को एलिवेटेड रोड का उद्घाटन किया था, लेकिन वेब सीरीज में इसी फोटो को एडिट करके सीएम योगी की जगह कलाकार की फोटो लगा दी। विधायक का आरोप है कि उनकी मंजूरी के बिना अनुष्का शर्मा ने उनकी तस्वीर का इस्तेमाल किया है, कई जातियों के खिलाफ दुष्प्रचार भी किया है। तो ये दो तस्वीरें हैं, एक तो वेब सीरीज की तस्वीर जो वेब सीरीज इन दिनों सोशल मीडिया पर देखी जा रही है, काफी चर्चित भी हो रही है, तो ये दर्शकों के बीच में भी पॉपुलर है। तो दूसरी तरफ इसको लेकर विवाद भी खड़ा हो गया, इसलिए भी चर्चित है। विवाद की वजह आपको दूसरी तस्वीर में नजर आएगी कि असली तस्वीर कौन सी है। असली तस्वीर में मुख्यमंत्री है, फ्रेम एक है, फ्रेम में दिख रहे सब व्यक्ति नजर आ रहे हैं, जबकि पहली वेब सीरीज में जो तस्वीर दिखाई गई है उसमें जो मुख्य चेहरा है, जो भगवा रंग में मुख्यमंत्री की जगह जो किरदार है वो नजर आ रहा है। इसी पर आपत्ति जताई गई है कि बिना इजाजत के इस्तेमाल की गई है ये तस्वीर, साथ ही साथ दुष्प्रचार भी किया गया है, ऐसा उनका मानना है। तो उन्होंने हमारा एक उद्घाटन हुआ था एलिवेटेड रोड का, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उद्घाटन किया था, तो मेरा और माननीय सांसद और हमारी पार्टी के नेताओं का फोटो लगा करके उस सीरीज में चलाया है, और वो सीरीज इतनी ज़्यादा जातियों में आपस में व्यवस्था पैदा करती है कि दलित और जट पंजाब में लड़ते हैं, इतना उनमें भेद दिखाया है, और हमारे त्यागी समाज का एक हथौड़ा त्यागी नाम से दिखाया गया है जो अपने ही ताऊ की लड़कियों का बलात्कार कराता है। मतलब हमारे समाज का जो ताना बाना है, जो समाज हमारे देश के लिए लड़े हैं उनका स्तर निम्न दिखाना, एक ग्वाला गुजर है, एक और नाम जो माफिया उसमें दिखाया गया है दुनालिया गुजर, उनको जबकि चित्रकूट में उनको माफिया बताया और वो पूरे देश में मर्डर कराते हैं, और उनको दिखा करके जबकि चित्रकूट में गुजर नहीं है, जिस जाति ने पूरे देश पर नहीं पूरे एशिया पर राज किया हो, उनकी छवि को खराब करना, उन्हें अपराधी बताना। अब जो हम आपको रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं इसे प्रदेश के हुक्मरान जरूर देखें, क्योंकि ये बात सिर्फ इंसानियत के सवाल से जुड़ी नहीं बल्कि उस व्यवस्था से जुड़ी है जिसकी एक तयशुदा रकम तनख्वाह के तौर पर स्वास्थ्य सेवा से जुड़े कर्मचारियों को और अधिकारियों को दी जाती है, जिसका जिम्मा इलाज करना है। लेकिन घिन यह हिकारत से भागना नहीं। मामला श्रावस्ती का है, बाकी बातें आप इस रिपोर्ट में देख लीजिए। ये तस्वीर हमें दो वजहों से ब्लर यानी धुंधली करनी पड़ रही है। पहली तो घटना दर्दनाक है, ये शख्स जला हुआ है,
जिसे उसूलों की वजह से दिखाना ठीक नहीं। दूसरा, इस तस्वीर को धुंधला ना किया जाए तो समूची व्यवस्था नंगी हो जाएगी। वैसे थोड़ा बहुत तो आपको नंगी दिख रही होगी। सामने खड़ा ये शख्स मरीज का भाई है। जी हाँ, भाई, जिसके दिल में अपने भाई के लिए मोहब्बत है, सम्मान है और उसकी जिंदगी की फिक्र है। इसी को ढाल बनाकर श्रावस्ती के मलहीपुर CST के कर्मचारियों ने उसके हाथ में इलाज के सामान थमा दिए और खुद दूर खड़े होकर उसे तौर तरीके समझाते रहे। ये हरकत कोई वार्ड बॉय करे, कोई फार्मासिस्ट करे तो माना भी जा सकता है कि वो इलाज में सक्षम नहीं, इसलिए ऐसा हुआ होगा। लेकिन कोई डॉक्टर करे तो ये मान लेना होगा कि इस व्यवस्था के मायने ही खत्म हो गए हैं। इस बात को हफ्ता भर गुजरने के करीब है और इस बीच क्या क्या गुजर गया ये भी जान लीजिए। अस्पताल में ऑक्सीजन नदारद मिली, परिजनों का गुस्सा फूटा, हालात नाजुक होते गए तो उसे रेफर भी कर दिया। जाहिर है जिंदगी अब इम्तिहान लेने पर उतर आई थी, तो कोई मरीज कितना लड़ सकता था। किस्मत ने दगा ना दिया होता तो अस्पताल पहुंचकर भी वो डॉक्टर्स का मोहताज होता, नतीजा मौत हो गई। मरीज की मौत तो हो गई लेकिन व्यवस्था को नई जिंदगी मिले, इसलिए इस पूरी घटना का किसी समझदार शख्स ने वीडियो बना लिया और वायरल कर दिया। वीडियो वायरल क्या हुआ, स्वास्थ्य अधिकारियों की बोलती बंद हो गई। इनको आपके यहाँ से केस आया था और बर्निंग केस था और उसको क्या नाम है, ट्रीटमेंट उसके घर वालों से करवाया जा रहा था। मैं पहले बयान दे चुका। भाग तो गए साहब, लेकिन अपनी जिम्मेदारियों से बच कहां सकते हैं? सच्चाई से मुंह चुराने की यह कोशिश कब तक चल सकती है? देखिए, वीडियो हमने नहीं देखा है, लेकिन जहां तक बर्न के केसेस का है वो मुझे सूचना दी गई थी। more than 90% बर्न था, उसमें डॉक्टरों और फार्मेसिस्ट वार्ड बॉय द्वारा ट्रीटमेंट किया गया, रेफर कर दिया गया। अगर ऐसा वीडियो आप देखते हैं तो क्या कार्रवाई होगी आपकी तरफ से? मैंने देखा नहीं अभी तक। क्या कार्रवाई होगी फिर भी? अब ये तो हम नहीं बता सकते हैं। क्या ये सही है कि उनके घर वालों से काम कराया जाए या ट्रीटमेंट कराया जाए? जब मौके पर मैं नहीं था तो इस बारे में मैं नहीं बता सकता। कोई बात नहीं, आप वीडियो मत देखिए, लेकिन अस्पताल की व्यवस्थाओं को देख सकते हैं, या वो भी नहीं। वैसे ये वीडियो जरूर प्रदेश की सरकार के आला अफसरों और स्वास्थ्य मंत्री को देखना चाहिए, क्योंकि इंसाफ वही कर सकते हैं। ABP गंगा के लिए श्रावस्ती से अम्मार रिजवी की रिपोर्ट। खबर अब हापुड़ से। खबर बड़ी है, भीषण सड़क हादसा हापुड़ में हुआ है। हापुड़ से बड़ी खबर, भीषण सड़क हादसा हापुड़ में हुआ है। ट्रक ने कार को जबरदस्त टक्कर मारी है। ट्रक ने कार को टक्कर मारी जिसमें एक पुलिसकर्मी समेत 3 लोगों की मौत हो गई है। तो इस हादसे में एक पुलिसकर्मी समेत 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। प्रेमी जोड़े को बरामद कर लखीमपुर ये लोग जा रहे थे, लेकिन इसी बीच में ये हादसे का शिकार हो गई है गाड़ी। एक ट्रक ने कार को जबरदस्त टक्कर मारी है। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि एक पुलिसकर्मी समेत 3 लोगों की मौत हुई है, 3 लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। ये खबर आपको दे रहे हैं। हापुड़ की ये तस्वीरें हैं, तस्वीरों को आप देख लीजिए और तस्वीरों को देखने के बाद आप हादसे का अंदाजा लगा सकते हैं कितना जोरदार हादसा रहा होगा। ये स्कॉर्पियो गाड़ी है और स्कॉर्पियो गाड़ी के परखच्चे उड़े हुए हैं। कार को आप देखेंगे वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है और गाड़ी का जो एक हिस्सा है, दरवाजा हो, छत हो, सीट्स हो, सब टूटे हुए हैं। ऐसे में जो भीतर बैठे हुए व्यक्ति रहे होंगे उनकी क्या दशा हुई होगी टक्कर के दरमियान, आप अंदाजा लगा सकते हैं। सबसे पहले इन तस्वीरों को आप सिर्फ और सिर्फ ABP गंगा पर देख रहे हैं। आप इन तस्वीरों को देखिए। प्रदीप भट्ट हमारे संवाददाता इस खबर पर और ज्यादा जानकारियां देंगे। प्रदीप, यहां 2 गाड़ियां क्षतिग्रस्त दिखाई दे रहे हैं, ये पूरा हादसा कैसे हुआ, कौन कौन जख्मी हुआ, कहां कौन कैसे जा रहा था, पूरी जानकारी आप दर्शकों को विस्तार से दें। देखिए, मैं आपको बता दूं कि इसमें लखीमपुर खीरी में युवती के अपहरण का मुकदमा दर्ज था, जिसे बरामद करने के लिए पुलिस ने गाजियाबाद की तरफ जो है दबिश दी थी। गाजियाबाद से बरामद कर लड़की को लेकर आ रहे थे कि इसी बीच सिंबावली शुगर मिल के सामने भीषण हादसा हुआ है, जिसमें एक पुलिसकर्मी भी था, जिसमें और 2 लोग और लोग भी सवार थे, जिसमें 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है।
पुलिस वालों का कहना है कि तीन लोगों को और हमने गंभीर हालत में थे, जिन्हें लेकर उन्हें हॉस्पिटल भिजवा दिया गया है। बाकी यहाँ से सब कुछ सही कर दिया जा रहा है जी। प्रदीप, घायलों की हालत कैसी है और क्या ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार किया गया है? देखिए, अभी घायलों की हालत बहुत ज्यादा सीरियस है, उनको हॉस्पिटल इलाज कराया जा रहा है। ट्रक ड्राइवर अभी गिरफ्तार नहीं हो पाया, वो मौके से फरार हो गया था जी। प्रदीप, आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तीन लोगों की मौत हो गई है इस हादसे में और जो घायल हैं उनकी हालत भी नाजुक बनी हुई है। एक युवती की अपहरण की शिकायत थी, उसके बाद पुलिस उन्हीं को लेकर जा रही थी और ये प्रेमी युगल ही बताया जा रहा है। उसके बाद जब इनको लाया जा रहा था, इस बीच में हादसे का शिकार उनकी गाड़ी हुई है। कितनी ज़बरदस्त हुई है, टक्कर मार दी ट्रक ने और टक्कर कितनी ज़बरदस्त थी वो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि मंजर कैसा रहा होगा। आप उस तस्वीर को, हादसे की तस्वीर को अपने जहन में बना पा रहे होंगे इन तस्वीरों के जरिए। एक और बड़ी खबर, 26 मई से लखनऊ में खुलेंगे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स खुलने वाले हैं लखनऊ में। 26 मई से लखनऊ में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स खुलेंगे। 33% दुकानें ही शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में खुलेंगी। हर दुकान में 2 से 3 लोग ही रह सकते हैं, ये भी क्लॉजेस इसमें लगाए गए हैं कि 2 से 3 लोग ही इसमें रह सकेंगे। बुजुर्ग बच्चों के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में एंट्री नहीं होगी। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में एसी बंद रहेगा, जो सेंट्रलाइज्ड एसी होता है। मॉल अभी बंद है और पूरे देश में ही मॉल अभी तक खोले नहीं गए हैं। इसके पीछे की वजह यह है कि एकल दुकानों को फिलहाल प्राथमिकता से खोला गया है। अब उत्तर प्रदेश में ये कदम उठा दिया गया, 26 तारीख से शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस खुलेंगे लेकिन 33% दुकानें ही खुलेंगी। सीएम योगी के गृह जिले गोरखपुर के एक निजी स्कूल की टीचर पर बच्चों की जानबूझकर गलत जानकारी देने का आरोप लगा है। शिक्षिका पर आरोप है कि उसने बच्चों को पढ़ाने के दौरान पाकिस्तान और पाकिस्तान का गुणगान किया। स्कूल की इंग्लिश की टीचर, अंग्रेजी की टीचर शादाब खानम पर आरोप है कि ऑनलाइन क्लासेस के दौरान उन्होंने बच्चों को जो मैसेज भेजे उसमें पाकिस्तान का महिमा मंडन किया गया है। शिक्षिका की तरफ से बच्चों को जो व्हाट्सएप मैसेज किया गया है उसमें उदाहरण के लिए पाकिस्तानी सिपाही को वीर, पाकिस्तान को दोस्त बताया गया है। लेकिन जब अभिभावकों ने इस मामले की शिकायत की उसके बाद भी स्कूल प्रबंधन ने टीचर को नोटिस जरूर जारी कर लिया है। अब इसे टीचर अपनी चूक बता रहे हैं, टीचर ने इसे अपनी चूक बताया है लेकिन अब स्कूल प्रबंधन टीचर के खिलाफ पुलिस में शिकायत करने की तैयारी कर रहा है। कैसे चूक हो सकती है? आप ऐसे मुल्क के सिपाहियों का, एक ऐसे मुल्क के का उदाहरण रख रहे हैं जिसका उदाहरण अपने आप में खराब चीजों के लिए, आतंकवाद के लिए पूरा विश्व देता है। उन्होंने उदाहरण में नाउन ग्रामर में पढ़ाते समय नाउन में बताया है कि एग्जांपल में कि पाकिस्तान इज आवर डियर होमलैंड, आई विल ज्वाइन पाक आर्मी, इस तरीके के उन्होंने उदाहरण दिए थे। जब उन्होंने बताया तो मैं भी अवाक रह गया और मैंने अपने दूसरे स्टाफ जो इन सब चीज़ों को डील करते हैं उनको कहा कि भाई इस टीचर से बात करिए, क्लास 4th की वो टीचर हैं इंग्लिश की। उन्होंने बात करके मुझे जवाब दिया तो उसके हिसाब से ये आया कि उन्होंने ये किया है। कहना उनका ये था कि गलती से हो गया। अब मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आप टीचर हो, पढ़ाने जा रहे हो तो ये गलती से कैसे हो जाएगा। और डेफिनेटली कहीं ना कहीं ये चीज़ आपने अगर गलती से भी किया तो इसका मतलब आपने टीचिंग की जिम्मेदारियाँ नहीं महसूस की हैं। और इस तरीके के एग्जांपल अपने से तो आएंगे नहीं, आप डेफिनेटली उसके कहीं ना कहीं देखते रहे होगे, आपके उसमें रहा होगा तभी आपने कर दिया। तो संज्ञा पढ़ा रही थी टीचर और आई विल ज्वाइन पाक आर्मी, इस तरह के एग्जाम्पल्स दिए गए। आई विल ज्वाइन इंडियन आर्मी, ये भी एग्जाम्पल्स दिए जा सकते थे लेकिन नहीं दिया गया। बढ़ते आगे, खबर अब प्रयागराज से है जहां पर रानी मंडी इलाके में 2 गुटों के बीच में बवाल हो गया और शराब पीने के दौरान दोनों गुटों में जमकर मारपीट हो गई। यहां तक कि फायरिंग का भी आरोप लगा। जब पुलिस इन लोगों को थाने लेकर पहुंची तो यहां भी इन लोगों ने जमकर हंगामा किया। ये घटना अतरसुइया इलाके की है। तो
तो बागपत में भी वर्चस्व को लेकर बवाल की खबर आई है। मामला बड़ौत के लान मलकपुर गांव का है। यहां पर करीब 20 लोगों ने खेत पर एक परिवार के ऊपर अंधाधुंध फायरिंग की, जिसके बाद गांव वाले मौके पर पहुंचे तो आरोपी वहां से भाग निकले। इसके बाद सूचना पर पहुंचे कई थानों की पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। अब एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए एबीपी गंगा। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। अधिकारियों के तमाशे अगर सत्ता मौन रहकर देखती रहती है तो नतीजे खतरनाक हो जाते हैं, और ऐसा ही एक खतरनाक वाकया है आगरा का, जहां पर एक पंचायत में पहुंचे पूर्व मंत्री और उनकी बीबी रेप पीड़ित की मदद के नाम पर उनका तमाशा उन्होंने बना दिया। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को नजरअंदाज किया गया, इस रिपोर्ट में आप देखिए। आगरा के मनौना में हुई ये पंचायत अब सुर्खियों में है। वजह है वो आरोप जो इस पंचायत के बाद राजा अरिदमन सिंह और रानी पक्षालिका सिंह पर लग रहे हैं। आइए पहले पूरे मामले की जड़ को समझिए और जानिए क्यों राजा रानी की ये पंचायत सुर्खियों में है। दरअसल लॉकडाउन में पूर्व मंत्री राजा अरिदमन सिंह और उनकी पत्नी विधायक रानी पक्षालिका सिंह पर गंभीर आरोप लगाए हैं मनौना गांव की एक रेप पीड़िता ने। पीड़िता का आरोप है कि राजा अरिदमन सिंह ने उस पर अपने बयान को वापस लेने का दबाव बनाया है। आरोप है कि राजा रानी ने गांव में पंचायत लगाई और रेप पीड़िता को बुलाया, इसके साथ ही उस पर अपने बयान को वापस लेने का दबाव बनाया। पनाहट के मनौना गांव में एक युवती के साथ, नाबालिग युवती के साथ दुष्कर्म हुआ था। उसमें बधावर राजघराने से ताल्लुक रखने वाले और कई सरकार में मंत्री रह चुके अरिदमन सिंह और उनकी पत्नी जो बाहर से विधायक हैं पक्षालिका सिंह, वो उस पर उस नाबालिग युवती के परिवार पर राजीनामे का दबाव बना रहे हैं। तारीख को वो पूरे दलबल के साथ वहां पहुंचे थे और लॉकडाउन उल्लंघन को लेकर इस पर कुछ लोगों के खिलाफ जो राजा के समर्थक हैं अरिदमन सिंह की, उनके खिलाफ मुकदमा भी पंजीकृत हुआ है। लेकिन जिस तरीके से नाबालिग युवती ने वीडियो वायरल करके सनसनी फैला दी और ये चेतावनी दी कि अगर उसके साथ न्याय नहीं हुआ तो 8 दिन में वो परिवार समेत आत्मदाह कर लेगी। इसी पंचायत के दौरान पीड़ित परिवार के एक व्यक्ति की ओर से वीडियो बनाने पर जबरदस्त बवाल भी देखने को मिला और हो हंगामे के साथ जबरदस्त मारपीट भी हुई। बाद में कई थानों की फोर्स पहुंची, जिस वक्त पूर्व मंत्री अरिदमन सिंह और उनकी पत्नी पक्षालिका सिंह मनौना गांव पहुंचे तो वहीं क्षेत्राधिकारी पिनाहट हरीश चंद्र टमटा को भी उन्होंने मौके पर बुला लिया। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि लॉकडाउन के वक्त राजा साहब की पंचायत में सीओ साहब भी हाजिरी लगा रहे हैं। नाबालिग पीड़ित युवती ने आरोप लगाया कि 20 से 25 गाड़ियों में राजा के साथ लोग यहां आए और उन्होंने दबाव डाला कि राजीनामा कर लो नहीं तो गांव में रहने नहीं देंगे। इस पूरे मामले में पूर्व मंत्री अरिदमन सिंह की सफाई भी सामने आई है। राजा साहब ने सारे आरोपों को खारिज करते हुए इसे विरोधियों की साजिश बताया है। उनका कहना है कि वो लड़की की मदद के लिए ही गांव पहुंचे थे। देखिए, मैं तो यह मानता हूं कि इसमें एक षड्यंत्र है, साथ साथ पुलिस की संलिप्तता, लोकल पुलिस की संलिप्तता है। तो जो शुरू से जिस दिन से ये घटना घटी, हम लोग पुलिस के संपर्क में, नीचे से ऊपर तक एसओ से, सीओ से, एसएसपी, एसपीआर संबंध में, तो और ये मांग करते चले आ रहे हैं कि इन पे कार्रवाई क्यों नहीं हुई। तो हर टाइम ये मिलता है कि जब लड़की बयान देगी तब करेगी। लड़की का बयान क्यों है जब आप एक आदमी अरेस्ट हो चुका है, वो नामजद है, उनके साथ 3 अज्ञात हैं। तो जो अज्ञात है, जिससे अगर कड़ाई से इंटरोगेशन उसी से वो होता तो पुलिस को वो नाम नहीं बताता। वहीं बाहर से विधायक पक्षालिका सिंह का बयान भी राजा साहब के जैसा ही है। तो कुशवा समाज हमारे पास आया था कहने के लिए कि बार बार हम लोग के साथ ही हो रहा है और हम लोग को न्याय क्यों नहीं मिल रहा, ना पुलिस सुन रही है, ना कोई हमारे लिए कार्रवाई कुछ कर रहा है। तो एक घटना में तो हमारी बात होके उसमें कार्रवाई हो रही थी, और जब इतने वो पीड़ित थे तो हमने उनसे कहा कि हमारे साथ आप लोग कल आगरा आइए, मैं एडीजी साहब से टाइम लूँगी और आप अपनी पीड़ा उनके सामने रखिए।
आए थे, हम लोग एडीजी साहब के पास गए, उन लोगों ने अपनी पीड़ा रखी, एडीजी साहब ने उनको आश्वासन दिया कि दोनों घटना जो बाह में हुआ है, जो पिनाट में हुआ है, दोनों में वो कार्रवाई करवाएंगे। सुना आपने, पक्षालिका सिंह का कहना है कि उनके पास कुछ लोग आए थे। पक्षालिका सिंह के मुताबिक वो पीड़ित परिवार के ही लोग थे, लेकिन शायद लॉकडाउन के दौरान हुई इस पंचायत और सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर उनके पास भी कोई जवाब नहीं है। उधर सीओ साहब की मौजूदगी में लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाने को लेकर पुलिस भी कटघरे में है। इस पूरे मामले में ये भी जानना जरूरी है कि मामला क्या है। वारदात 13 मई की है, जब पिनाहट के गांव में 13 वर्षीय एक किशोरी को गांव के ही कुछ दबंग घर से उठा ले गए। इसके बाद इन दबंगों ने युवती के साथ दुष्कर्म किया। आरोपियों में एक को तो जेल भेज दिया गया, जबकि बाकी खुलेआम घूम रहे हैं। देखिए, ये पिनहट के गांव में जो घटना हुई थी और उसके बाद एक झगड़े की बात आई थी, उसी क्रम में आज यहाँ परिवार वालों से मिलने के लिए मैं आया हूँ। सभी लोगों से अलग अलग बात की है, थोड़ी सी असुरक्षा के भाव इन्होंने व्यक्त किए थे, जिसके संबंध में पूर्व से ही यहाँ 24 घंटे की ड्यूटी भी लगा दी गई है। उनकी जो समस्याएं हैं उनको भी देख लिया गया। जो मुकदमा पंजीकृत है उसमें एक व्यक्ति जिनको नामजद किया गया था उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। अन्य अभियुक्तों की पूरी छानबीन चल रही है और जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उसके आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। ऐसे में अभी तक युवती के साथ दुष्कर्म करने वाले 3 लोगों को पुलिस पकड़ नहीं पाई है। वहीं सवाल ये भी उठता है कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी रही कि पूर्व मंत्री लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाते हुए खुद ही जज बनकर पीड़ित युवती के गांव पहुंच गए।